आज हम प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम हेतु यहाँ आरपीएससी के सम्मुख एकत्रित हुए हैं और 9 महीने बाद भी इस परीक्षा परिणाम का हम इंतजार कर रहे हैं। इससे संबंधित हम सरकार के नुमाइंदों से, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से समय समय पर मिले हैं, इनको ज्ञापन भी दिया है। आरपीएससी में भी हम 15 दिन में एक बार हमारा डेलीगेशन आता है और उसको केवल एक आश्वासन देकर के वापस भेज दिया जाता है। तो हम रोज़ रोज़ के इन आश्वासनों से परेशान होकर के आज से अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ रहे हैं। जब तक आरपीएससी प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करती है, हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और रिजल्ट जारी करने पर ही यहाँ से उठेंगे। और इसके लिए चाहे हमें आमरण अनशन भी करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो आप इस दौर से गुजर रहे हैं? हम 72,000 अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में बैठे थे और 1200 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। आप सब लोग अभी कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान के प्रत्येक जिले से आए हैं और यहाँ आ भी रहे हैं कई साथी, और हम लगभग 50-60 यहाँ आ चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम हनुमान बुरुड़क, नागौर से। आप तो ये बैनर हमारा शो कर देना, बस यही कह देगा ये। सर, 2 सितंबर को एग्ज़ाम होने के बावजूद भी अभी तक 10 महीने बीत गए हैं, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं कर पाई है आरपीएससी, और यूपीएससी में यही काम 1 महीने के अंदर हो जाता है। यहाँ तक कि प्रत्येक राजस्थान के हर एक विधायक को हम लोगों के द्वारा यहाँ ज्ञापन दे दिया गया है, डीसीएम साहब से मिल चुके हैं और गोविंद सिंह जी माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम मिलके 2 या 3 बार मिल चुके हैं। बार बार आश्वासन दिया जाता है। कल ही मतलब चुरू में जब उनकी बैठक थी, उन्होंने कहा एक शिक्षक का पुत्र हूँ मैं, शिक्षकों की सबसे पहले मांगे सुनूंगा। ये देख लीजिए मेरे भाइयों और बहनों को, हम यहाँ गर्मी के अंदर इतनी तपती हुई और फिर भी पूरे राजस्थान से हर एक जिले से कोई न कोई यहाँ पर प्रतिनिधि आया हुआ है और अभी तक रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो इससे वंचित हैं? 72,000 कैंडिडेट उन्होंने एग्जाम्स दिए थे और 1200 सीटों के लिए है। सारे बैठने के लिए बोल रहे हैं, सभी आने के लिए इंतजार हैं। हम यहाँ आए हैं, हमारा डेलीगेशन बनाया गया है, अभी अंदर मिलने गए हैं, कुछ निराकरण आता है तो ठीक, वरना हम धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम प्रभुलाल है, मैं भीलवाड़ा से हूँ।